अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते प्रणाम आप सब भोजपुरिया जहान के। एक तो छोटा सा निवेदन बा आप सबसे कि हमार छोट भाई खेसारी लाल यादव जी बिग बॉस के घर में गइल बने, आप लोग उनकी इतना सपोर्ट करी जाए, इतना वोट करी जाए कि भाई मेरा वहां से जीत के आए। जय हो भोजपुरिया समाज। हमेशा हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म और हमारी संगीत हमें ताकत देती है। एक बार उसी धरती से जहां से भिखारी ठाकुर हिंदी के सबसे बड़े शेक्सपियर, जिन्होंने विदेशिया नाच से गौरवान्वित किया था हिंदुस्तान के इतिहास को, हमारे रहन सहन और जीवन शैली को, उसी धरती पर जहां राजेंद्र प्रसाद जी, जहां से जयप्रकाश नारायण, ना जाने ऐसे कितने शख्सियत जिन्होंने गौरवान्वित किया बिहार को। आज बिहार का एक ऐसा शख्स जो भोजपुरी संस्कृति को जिंदा रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखा, ना जाने भोजपुरी की संस्कृति को पर कितने बार कई तरह के रास्ते से, कई तरह के गलत परंपराओं से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, लेकिन खेसारी लाल यादव जो हम लोगों के लिए, बिहार के 11 करोड़ 33 लाख लोगों के लिए, भोजपुरी, मिथिला, मैथिली, अंगिका, नागपुरी, मगही की जो हमारी संस्कृति है जीवंतता के साथ जीने की, संगीत चाहे लोरी का सलहेस, अल्लाह रुदल, ना जाने सलहेस से लेकर के कई ऐसी पौराणिक परंपराओं के साथ जब हम अपने जीवन दर्शन को देखते हैं तो आप मुग्ध हो जाते हैं और हम अपने इतिहास पर गर्व करते हैं। आज वर्तमान पर गर्व करने की जरूरत है। हमारा एक भाई, आपका एक पुत्र, आपका एक सेवक जो पूरे भारत की भोजपुरी फिल्मों में आपके आशीर्वाद से एक नायक के रूप में बिहार को गौरवान्वित किया है, आज वो एक कौन सा बिग बॉस, मैं थोड़ा देखता कम हूं लेकिन बिग बॉस हमारे परिवार के लोग भी बैठ के देखते हैं, मैं कभी कभी उब जाता हूं, लेकिन परिवार के लिए मनोरंजन का एक कारण बना हुआ, उसमें वो कंप्लीट रूप से बिहारी संस्कृति और बिहार की मिट्टी में जो जीवंतता है, सहन शक्ति की, लोगों को हर तरह से लोगों के साथ खड़े होने की उन्होंने वहां पर दिखाया, मुझे गर्व है। कल 11 बजे तक उनके लिए वोटिंग है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ऐप में जाएं, लॉग आम टू वोट करें, पर वोट करने के लिए खेसारी लाल यादव जी नंबर वन हो, बिहार को गौरवान्वित करें, या माई जियो ऐप पर vote.com पर वोट करें। मैं अपील करता हूं सभी युवाओं से, सभी बिहार वासियों से, सभी भोजपुरी वासियों से कि हमें चुनौती के साथ स्वीकार करते हुए अपने इतिहास के अनुरूप हम हमेशा सबसे ऊपर रहे, झंडा फहराते रहे। आज भी वक्त है उसी इतिहास को दोहराने की। धन्यवाद।